Assalamualaikum, it's me, Safiya Nisar, one student of Star University, Karawaski. And today my topic is retinitis pigmentosa. So let's start. Retinitis pigmentosa क्लिनिकली और जेनेटिकली एक डाइवर्स ग्रुप है डिफ्यूज रेटिनल डिस्ट्रॉफीज का, जो इनिशियली स्टार्टिंग में अपने रोड फोटोरिसेप्टर्स को इफेक्ट करता है एंड लेटर ऑन ये कंडीशन जब ज्यादा टाइम हो जाता है तो अपने कॉन्स में भी डिजेनरेशन हो जाती है। ये मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी फंडस डिस्ट्रॉफी है जिसकी प्रिवेलेंस ये है कि हर 5,000 लोगों में से एक इंसान को होती है। Inheritance of retinitis pigmentosa. 50% जो diagnosis cases होते हैं retinitis pigmentosa के, उनमें कोई family history नहीं होती इस disease की, लेकिन इसको still genetic कहते हैं। और 3 ways हैं genetic inheritance के: autosomal recessive inheritance, autosomal dominant inheritance, X-linked recessive inheritance. सिम्टम्स इसके आ जाते हैं नेक्टलोपिया एंड डार्क एडेप्टेशन डिफिकल्टीज आर फ्रीक्वेंटली प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। नेक्टलोपिया डार्क एडेप्टेशन मतलब पेशेंट को रात को देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये रॉड्स सेल्स की डिजनरेशन है और रॉड सेल्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर नाइट विजन, ठीक है। और पेरिफेरल विजन प्रॉब्लम मे बी नोटिस्ड, पेरिफेरल विजुअल फील हमारी डिफेक्ट होती है, इसमें बम्प इनटू पोर ऑब्जेक्ट्स इन पोर लाइटनिंग, मतलब अगर लाइटनिंग की कंडीशन अगर पोर हो, मतलब लाइट अगर सही से ना हो, इल्यूमिनेशन कम हो, तो मतलब पेशेंट ऑब्जेक्ट्स में टकरा जाता है। इस तरह के सिम्टम्स लेकर पेशेंट हमारे पास आ जाता है और फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। साइंस: प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ VA, हमारी VA लॉस होती है, इसमें कंट्रास्ट सेंसिटिविटी अफेक्ट होती है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी अर्ली स्टेज पे इफेक्ट होती है, देन VA अफेक्ट होती है हमारी, देन VA हमारी रिड्यूस हो जाती है। लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, जैसे बताया पेरिफेरल फील लॉस होती है। पिगमेंट्री बोन स्पेक्यूल्स, जैसे पिक्चर में भी आप देख रहे हैं पिगमेंट्री बोन स्पेक्यूल्स फॉर्म हो गए हैं, पेरिफेरल पिगमेंटेशन सीवियर हो जाती है और आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और डिस्क पेल हो जाती है, जैसे पिक्चर में डिस्क पेल है और आर्टरीज नैरो हैं और रेटिनल और रेटिनेशन ऑफ वेसल्स भी नैरो हो जाती हैं। ऑप्टिक डिस्पिट्रूसेंस फॉर्म हो जाते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स में, मायोपिया कॉमन मिलता है हमें और कलर विजन भी अफेक्ट होती है क्योंकि हम क्योंकि कॉन्स भी हमारे कॉन्स में हमारे डिजनरेशन हो जाती है और ग्लेयर भी होता है, पेशेंट को ग्लेयर की कंप्लेन करते हैं। ट्रीटमेंट, इसकी कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है प्रोग्रेशन को रोकने की, इसलिए हाँ विटामिन ए और ई पेशेंट अगर लेता रहे तो ऑनसेंट ऑफ ब्लाइंडनेस को हम डिले कर सकते हैं। और इंडोर अम्बर टेंट जो होता है, अम्बर स्पेक्टिकल्स जो होते हैं 511 टू 527 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ब्लॉक करते हैं, तो उससे कंट्रास्ट सेंसिटिविटी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं, मतलब कंट्रास्ट सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। और अवॉइड एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट के एक्सपोजर से अवॉइड करना होता है। रेगुलर फॉलोअप्स के लिए हम पेशेंट्स को कहते हैं और लो विजन एड्स देते हैं हम पेशेंट्स को। रिफ्रैक्शन करेंगे केयरफुली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ताकि हमें मैक्सिमम विजन गेन कर सकें विद स्पेक्टिकल करेक्शन। नाइट विजन, नाइट ब्लाइंडनेस हेलमार्क है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का और पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि वो एक्स्ट्रा एलिमिनेशन अपने घर में यूज करें और पेशेंट को इंफ्रारेड नाइट स्कोप्स प्रिस्क्राइब करेंगे और हैंड हेल्ड टॉर्च फॉर नाइट विजन भी हम प्रिस्क्राइब करेंगे। टनल विजन की मैनेजमेंट हम इस तरह करते हैं कि विजुअल फील्ड जो है प्रोग्रेसिव लॉस होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की, पेशेंट्स की उसमें प्रिज्म्स और रिवर्स टेलीस्कोप्स या हाई माइनस लेंसेज हम यूज कर सकते हैं, बट ये विजुअल एक्यूटी को रिड्यूस करता है। और हाई माइनस रिवर्स टेलीस्कोप्स और हाई माइनस लेंसेज हम नहीं देंगे अगर उसकी VA6-24 से कम होगी तो। अवेयरनेस देंगे विजुअल फील्ड लॉस की, ओरिएंटेशन की, मोबिलिटी ट्रेनिंग एंड हम इनिशिएट करेंगे। मैग्निफिकेशन किस तरह करेंगे, पेशेंट जो होते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के उनको हम टेलीस्कोप नहीं देते अगर उनकी विजुअल फील्ड 10 डिग्री से कम है।
बट अगर पेशेंट की जो विजुअल फील्ड है 10 डिग्री से, विजुअल फील्ड अगर ज्यादा है 10 डिग्री से, तो हम क्या करें, हम लो मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप यूज करवा सकते हैं। मैग्निफिकेशन और नियर एड्स हम नेसेसरी नियर के लिए, एड्स आर आल्सो नेसेसरी फॉर नियर विजन। लाइट एंड ग्लेयर प्रॉब्लम, व्हेन जब पेशेंट जो है वो ब्राइट लाइट में या आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज में डायरेक्टली जाते हैं तो उन्हें ग्लेयर की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम डार्क फिल्टर्स विद साइड शील्ड्स देते हैं। काउंसलिंग हम कुछ इस तरह करेंगे कि हम उन्हें कहेंगे कि आप अवॉइड करें कि आप सन एक्सपोजर में, डायरेक्ट सन एक्सपोजर में जाएं। लाइट शुड बी एडेड फ्रॉम द पेशेंट, अच्छा जो लाइट होगी हम पेशेंट की जो लाइट होगी वो यूज करें बिहाइंड द पेशेंट्स हेड। टाइपिस्कोप बहुत हेल्पफुल होते हैं रिड्यूस करने के लिए ग्लेयर को, और राइटिंग और रीडिंग के लिए भी होता है। काउंसलिंग हम इस तरह करेंगे कि हम कहेंगे कि कजिन मैरिजेस से अवॉइड करें ताकि ये जो डिजीज है वो ज्यादा फैल ना सके और उनके चिल्ड्रंस में भी ना हो। काउंसलिंग हम